गाइस मैं निकल रही हूँ अपनी डिलीवरी के लिए। गाइस फाइनली द डे इज हेयर जब मैं अपनी डिलीवरी के लिए जा रही हूँ। हाँ लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन दिन आ गया है और ऐसा लग रहा है कि हजारों साल बाद मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म हो रही है क्योंकि कंटिन्यूसली 2 ईयर्स हो गए तो। लेकिन कोई नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। एंड यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने हाथ के छापे जो कि हमारी छठी पर पूजा होती है। वी आर चूजिंग द सेम हॉस्पिटल जो कि मैंने लास्ट ईयर चूज़ किया था क्योंकि ये मेरे घर के बहुत पास है तो रिलेटिव्स को भी आने जाने में परेशानी होती है, हम लोगों को भी नहीं होती है। गाइस अगेन स्ट्रेचर पे आ गए एंड सी केनला लग चुका है। ये लोग मुझे पेन वाला इंजेक्शन देने वाले हैं तो आई डोंट नो ये अब क्या ही होगा। थोड़ी सी घबराहट स्टार्ट हो जाती है लेकिन प्रोसेस तो स्टार्ट कराना ही पड़ेगा। सो थोड़ी घबरा रही हूँ, थोड़ी नर्वस हूँ बट लिटरली अब एक एक पल भारी हो रहा है मेरे लिए, ऐसा लग रहा है अब जल्दी से हो जाए। गाइस अभी थोड़ी देर पहले वो हम थोड़ी देर इन द सेंस हाफ एन आवर हो गया, मुझे पेन की गोली इंड्यूस की हुई है उन्होंने मुझे, अब पेन स्टार्ट हो रहा है। बस यही कहूंगी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। आप क्या बोलना चाहेंगी अंकिता? हाउ डू यू फील? लुक एट मी अंकिता। आप कम से कम नहीं तो 15-20 दिन भी लॉगिंग नहीं कर पाएंगे तो अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे? ये 15-20 दिन की दूरी आपके फैन कैसे सहेंगे? नाउ अंकिता अपने रूम में शिफ्ट हो रही है। हाय अंकिता, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तीन है, बड़ा अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी गुड गाइस, बाय द गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया क्योंकि सेम ईयर में मैंने 2 डिलीवरी हो रही थी तो जिसकी वजह से ऑपरेशन पॉसिबल था बट भगवान की दुआ से ये भी नॉर्मली हो गया एंड बहुत अच्छे से हो गया। एंड this time it's a baby boy and now I have 3 kids, 2 amazing daughters and 1 baby boy. Bhagwan mere bachche ko bahut sari khushiyan de and please shower your blessings on my kids and I also require your blessings guys kyunki aap dekh hi sakte hain meri halat बहुत 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 वीकनेस है बॉडी के अंदर। इन द सेम ईयर 2 डिलीवरीज, यू कैन इमेजिन द हेल्थ वाइज मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई है बट यस मैं भी रिकवर करूँगी आप लोगों की दुआओं से, भगवान की ब्लेसिंग से। तो बस यही है, अभी रिकवरी स्टेज रहेगा मेरा थोड़े दिनों तक। एंड ये मेरा छुटकू जिसको कि अभी नर्सेज रेडी कर रही है मुझे देने के लिए, बस थोड़ी देर में ये लोग मुझे देंगे। लिटरली द बेस्ट फीलिंग ऑफ अ मॉम एवर, लिटरली मतलब मैं बता नहीं सकती। जब एक मॉम
अपने बेबी को फर्स्ट टाइम गोदी में लेती है, तो इससे बड़ी फीलिंग हो ही नहीं सकती है, इससे प्यारी फीलिंग, ब्यूटीफुल फीलिंग नहीं हो सकती है। सी गाइस, नितान बेचारे खड़े खड़े सो रहे हैं, बहुत 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 थकान हो गई, वो भी सुबह से शाम तक ऐसे ही चीज़ों में एंगेज रहे। और क्यों? वो इसलिए कि वो एक्चुअली जहाँ सो रहे थे उन्हें उठा दिया गया, बेबी को फीड करा रही है नर्स, क्योंकि लैक्टेशन में अभी 2-3 दिन लग जाते हैं मदर के, तो उसे ऊपर का दूध दिया जा रहा है थोड़ा सा। एंड गाइज, ये आ गया है मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट, देखने में बड़ा ही लजीज लग रहा होगा आपको। इडली, सांभर, दलिया एंड चाय, बड़ा ही यम्मी यम्मी सा लग रहा है, लेकिन खाने में लिटरली मतलब उतना ही बेकार होता है। बेकार इन द सेंस सो ऑब्वियस है, अभी हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस झेल सके। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.